सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। IPL 2018 के पहले ही मुकाबले में काफी कुछ हुआ। इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मेजबान टीम मुंबई इंडियंस को उसी के घर यानी वानखेड़े स्टेडियम पर एक विकेट से शिकस्त दी। इस रोमांचक मुकाबले में जहां चेन्नई की कैरेबियाई ऑलराउंडर दिवेन ब्रावो ने अपने बल्ले से धमाल मचाया, वहीं केदार जाधव ने अंतिम ओवर में चोटिल होने के बावजूद अपना दम दिखाकर चेन्नई को शानदार जीत दिला दी। जहां चेन्नई की तरफ से उनके स्टार केदार जाधव गंभीर रूप से चोटिल हुए, वहीं हारने वाली मुंबई की टीम को भी एक करारा झटका लगा। मुंबई के स्टार भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इस मैच में 20 गेंदों पर नाबाद 22 रन बनाए और 3 विकेट भी लिए, लेकिन अपनी पारी के दौरान पांड्या ने अंतिम गेंद पर एक चूक कर ली। मुंबई की पारी की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने रन लेने का प्रयास किया और रनआउट से बचने के चक्कर में और क्रीज पर पहुंचने के लिए वो गेंदबाज दिवेन ब्रावो से जा टकराए और गिर गए। मैदान से बाहर जाते हुए वो लंगड़ाते हुए नजर आए। हालांकि इसके बाद जब मुंबई की टीम लक्ष्य को बचाने के लिए उतरी तो पांड्या भी मैदान पर उतरे। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 24 रन लुटाकर 3 अहम विकेट भी लिए। सब कुछ ठीक नजर आ रहा था, लेकिन मैच के अंतिम क्षणों में वो टीम के साथ डगआउट में बैठे नजर आए, जिससे ये साफ था कि उनकी चोट सामान्य नहीं थी। अगर आप IPL के फैन हैं और IPL 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको IPL 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।